हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे रायपुर की। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह को कोरोना हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने खुद को आइसोलेट भी कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं। वीणा सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और उन्होंने खुद को होम आइसोलेट भी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, पूर्व सीएम की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और कौन कौन लोग उनके संपर्क में आए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, वीणा सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी है, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और जो उनके सिम्टम्स थे उसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। कोविड 19 की रिपोर्ट आज आई है और इस रिपोर्ट में वीणा सिंह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि आपने जो सवाल किया कि कौन कौन लोग ऐसे संपर्क में थे, ये चूंकि पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, ऐसे में इनके घर में संगठन के लोग और तमाम लोगों की आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था। यह बात अलग है कि तमाम एहतियात बरतने की भी कवायद उनके निजी आवास में की जाती रही है, बावजूद उसके वीणा सिंह कोविड 19 पॉजिटिव निकली हैं। चूंकि अब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, परिवार के घर से कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, इस लिहाज से न केवल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्य, जिनमें सांसद पूर्व सांसद बेटे अभिषेक सिंह है, उनकी पत्नी है, रमन सिंह की नतनी है, ये सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। एम्स की टीम थोड़ी देर बाद घर पहुंचने वाली है जहां पर उनके सैंपल्स लिए जाएंगे और वीणा सिंह को एम्स में निजी अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर रमन सिंह समेत परिवार के तमाम सदस्य जो है उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। यानी अब जब इनके सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल की रिपोर्ट आएगी, तब तक ये सभी सदस्य होम आइसोलेशन में रहेंगे और यदि रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट किस तरीके की होगी उसे देखने के बाद फिर आगे का फैसला परिवार के सदस्य लेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल वीणा सिंह कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और जो भी स्वास्थ्य महकमे की टीम होगी ये जानने की कोशिश करेगी कि इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए थे। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी को साझा करने के लिए। और भोपाल पहुंचे क्षत्रिय के